पांच चीजें जो हम बहुत गलत तरीके से खाते हैं और जिसकी वजह से लगा रहे हैं डॉक्टर्स के चक्कर। और ये जो चीजें हैं मैं नहीं बता रही हूँ, ये जो चीजें हैं वो हमारी दादी ने, नानी ने, ये सब की बताई गई चीजें जो मैं आज आपको रिमाइंड कराऊंगी, जो याद कराऊंगी कि आप वो चीजें गलत तरीके से खाते हो, हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप डेली अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हो और वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे जाके उसको गलत तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे जाके वो पॉइजन बन रहा है आपकी बॉडी में और हार्ट को, किडनी को, लिवर को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। तो आज हम इन पांच चीज़ों पे बात करेंगे और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ें आप सबको पता है बट आप भूल गए हो, तो वही नानी दादी के नुस्खों पर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बादाम की। ये देखिए, ये बादाम जो हम डेली खाते हैं मॉर्निंग में उठ के, डाइटिशन से बताते हैं, तो बेसिकली ये जो बादाम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, हम बहुत बिजी हो चुके हैं आज की लाइफस्टाइल में, इतनी लाइफस्टाइल बिजी हो गई है, तो बादाम उठाए और खा लिया मुट्ठी भर, तो ये बहुत गलत तरीका है क्योंकि बादाम जो है, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स, वाइटामिन ई, इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। तो अगर आपको इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स का आनंद लेना है या अपनी बॉडी में इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से यूज़ करवाना है तो इसको ऐसे नहीं खाना है, आपको इसको सोक करके खाना है। तो ये सोक करके ओवरनाइट आपने सोक करना है और फिर ये जो इसके पील है, क्योंकि अभी क्या होता है टाइम नहीं है, सोक किया, सोक करने के बाद उठाया और खा लिया, तो हमें इसको स्पेशली इसके जो पील्स हैं, क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं इसके अंदर टैनिन होता है और वही टैनिन आपकी बॉडी में जाके आपको नुकसान करता है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो आपने ये बादाम के छिलकों को छील के थोड़ा सा 2 मिनट आप अपनी हेल्थ को तो आई थिंक दे ही सकते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंस में भी है और दादी नानी के जो पुराने नुस्खे हम पहले ऐसे ही खाते थे जो अभी हम भूल चुके हैं। तो आपने बादाम हमेशा छील के ही खाना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे फूड प्रोडक्ट की, वो है बनाना। तो ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और 12 ईयर्स ये अवेलेबल रहता है और छोटे से लेके बड़े सब लोग इसको खाते हैं। और ये जो है सीज़न का, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इस सीज़न में आ रहा है, ये हमेशा ही रहता है। बट इसको खाने का आपको पता है कि कैसे हमें सही, मतलब ये सही है बनाना, इसको हम खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं? ये येलो कलर का है, आपको तो लग रहा है ये पका हुआ है, मार्केट से आप उठाओगे और सीधा खा लोगे, बट नहीं, ये भी गलत है क्योंकि इससे, अगर आपने इसी तरीके का बनाना आप रेगुलर अपनी डाइट में खाते हैं तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ब्लोटिंग, गैस, ये सब हो सकता है। तो इसको जो सही तरीका है कैसे खाना है इसको, क्योंकि ये आपने बहुत ध्यान देना है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, ओल्ड एज के लोग भी खा रहे हैं, जिसको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मतलब सभी में बनाना खा ही लेते हैं ऑलमोस्ट। या अगर आपने एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव रखना है, जिम से पहले सबसे अच्छा स्नैक एक है, बनाना खा लो, ईजी है, अपना निकाला, छीला और खा लिया। तो इसमें इसका तरीका देखिए, ये वाला अगर आप ऐसे बनाना खाते हैं तो पक्का ही है कि आप बीमार पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आपको होने लग जाएगा। तो आपने जो बनाना खाना है, सबसे पहले आपने देखना है ये पका हुआ है या नहीं है। आपको वो कैसे पता चलेगा? देखिए, इसमें जब अगर आप ऐसा बनाना लाते हैं तो ये तो बिल्कुल भी पका हुआ नहीं है। आपने ये जो इसकी स्टेम है, अभी देखिए इसकी स्टेम येलो कलर की है, तो ये वाली पूरी स्टेम जो है यहाँ से यहाँ तक ब्लैक होनी चाहिए। तो ये स्टेम ब्लैक होनी चाहिए, उसके अलावा इसमें छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स होने चाहिए, ऐसे ऐसे पूरे ब्लैक स्पॉट्स। जब तक ये इसमें ब्लैक स्पॉट्स नहीं होंगे, मतलब ये पका हुआ नहीं है। और ये इसका जो स्टार्च है वो फिर ये कम मीठा भी होगा और आपको टेस्ट भी नहीं उतना अच्छा आएगा, और जो इसके अंदर का स्टार्च है वो आपकी बॉडी पे नुकसान करेगा। तो आपने, अगर आप ऐसा बनाना मार्केट से लाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ला के घर में रख दीजिए 2-3 दिन के लिए और इसको आप 2-3 दिन में आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाएंगे, फिर ये उसका मतलब है। और ये वाली जो स्टेम है ब्लैक हो जाएगी, इसका मतलब ये पक चुका है और फिर इसको अपने डाइट में यूज़ कीजिए। तो बनाना जो है इसको अगर जो मोटे लोग हैं वो दूध के साथ कोशिश करें, शहद के साथ लें या घी के साथ ले लें, दूध के साथ ना लें। और जो पतले लोग हैं वो छोटा बनाना यूज़ करें, मार्केट में छोटे बनाने आते हैं, उसमें आपका वेट गेन नहीं होगा, उल्टा वो हेल्प करेगा लूज़ करने में।
अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की। ये लहसुन है जो हम डेली अपने वेजिटेबल्स में यूज़ करते ही करते हैं, तड़का लगाया, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि ये इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और इसके ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। तो हम आजकल, अगर आपने ट्रेंड में भी सुना होगा कि लोग लहसुन खाते हैं खाली पेट, तो दो लहसुन अगर आपने खाए आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, बट इसको खाने का तरीका क्या है और जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं क्या वो आपको बेनिफिट दे रहा है आपको पता है? तो वो अगर आप लहसुन को डायरेक्टली आपने छीला और तुरंत आपने तड़का लगा दिया तो ये आपको बेनिफिट नहीं देगा। रीज़न, क्योंकि इसमें एक एक्टिव एंजाइम है, वो है एलिसिन। तो लहसुन को हमेशा हमें वो जो एक्टिव एंजाइम एलिसिन है वो आपका तभी एक्टिव होता है जब आप इसको काट के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और तब जाके वो एंजाइम इसमें एक्टिवेट होगा, तब इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ एक्टिव होंगी और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तब जाके आपकी बॉडी में आपको बेनिफिट देगा। तो लहसुन जो है उसको क्या करना है, आपने छील के काट के 10-15 मिनट रख देना है और फिर आपने इसे तड़के में यूज़ करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ रोटी। तो रोटी जो है, देखिए आपको सबको पता है कि हमारा जो दिन का शुरुआत होता है मोस्टली बहुत लोग रोटी से ही करते हैं, बट इतनी जल्दी में होते हैं कि रोटी को बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। और आपको पता है रोटी का गलत तरीका बनाना ही आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग लेके आता है और तभी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं या मेडिसिन लेते हैं। तो इसको बनाने का सही तरीका क्या है वो देखना है। देखिए, जब भी हम रोटी बनाते हैं हम क्या करते हैं, रोटी बनी, हम इतने जल्दी में होते हैं और हमने ये रोटी को जल्दी से लेके गैस पे कुक कर लिया जिससे कि ये फूल जाए, बट ये बहुत गलत तरीका है। क्यों? रीज़न ये, क्योंकि ये जो गैस है, एक तो इसकी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहा है, दूसरा ये देखिए आपकी रोटी फूल गई, आपने इसको जल्दी से हटा लिया, तो इससे क्या हुआ, आपकी जो रोटी का ऊपर का है वो आपका पक जाएगा, बट जो रोटी के अंदर का पार्ट है वो कच्चा रह जाएगा, अनडाइजेस्टेड। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज, ब्लोटिंग होने लग जाएंगे। तो अगर आपको ये होती है तो आप कोशिश कीजिए, आप देखिए कि ऐसा तो नहीं है, ये देखिए ये वाला पार्ट कच्चा रह जाता है। जैसे हम आलू को भी अगर हम रोस्ट करते हैं तो ऊपर का पार्ट पक जाता है और अंदर का कच्चा रह जाता है, सेम वो रोटी के साथ है, आपको लगता है पक गई है बट अंदर आप देखोगे तो ये कच्ची है। तो ये आपका कच्चा आटा आपकी बॉडी में जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो इसको जो सही तरीका है बनाने का वो यही है कि आपने जैसी रोटी बनाई आपका ये आधा हो गया, हाफ डन तवे पे ही हो गया। इसके बाद जैसे हमारी नानी दादी पहले किया करती थी, 2 मिनट तो आप दे ही सकते हो रोटी के लिए, और इसको प्रॉपर अच्छे से आप तवे पे ऐसे करके पकाएं जैसे पहले करते थे। तो इससे आपके 2 मिनट आई थिंक एक्स्ट्रा लगेगा, इससे जो आपकी रोटी है बहुत अच्छे से पक जाएगी अंदर से भी और आपको ये नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। इसके अलावा जो आप रोटी में एक दूसरी गलती करते हैं कि अगर रोटी को सॉफ्ट करना होता है तो क्या करते हैं, दूध ऐड कर लेते हैं और फिर वही रोटी जो है आप दही के साथ खाते हैं या चार के साथ, खट्टी चीज़ों के साथ। तो ये भी बहुत गलत तरीका है। अगर आपको रोटी को सॉफ्ट बनाना है आप पहले ही 15-20 मिनट पहले आटे को अच्छे से नीट करके रख दें जिससे कि आपका जो रोटी बनेगी वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो ये तो थे 4 तरीके। तो ध्यान रखिएगा, रोटी पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है क्योंकि पहले हम लोग रोटी पे बहुत टाइम देते थे रोटी बनाने के लिए। अब जो मैं आपको बता रही हूँ आखिरी जो हमारा है 5th फूड प्रोडक्ट जो कि हमारी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है, वो देखिए वो हमारे फ्रिज में मोस्टली रखा होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, शहद। तो हाँ जी, मैं इस शहद की बात कर रही थी क्योंकि ये जो शहद है ये हम लोग इसका बहुत, मतलब शहद अगर मैं कहूँ ये बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो हमारे ब्लड की तरह है, दूसरा इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, खांसी होती है, कोल्ड होता है, कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें शहद का यूज़ बहुत होता है। फीवर है या आपको एनर्जी लो लग रही है या पेट में कीड़े हैं बच्चों के, दांत निकल रहे हैं, तो इस शहद का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो हमें शहद कैसे यूज़ करना है वो तरीका आप बस जान लें। तरीका यही है कि अगर हम चाय बनाते हैं तो हम करते क्या है, शहद को चाय लेमन टी बनाई और उसी में डाल दिया तो बॉयल करते हुए पानी में, तो ये बहुत गलत तरीका है क्योंकि जो शहद है ये बहुत थिक होने लग जाता है और आपकी आर्टरीज में जाके, मतलब आप जब बॉयल करेंगे ना, ग्लू जैसा सब्सटेंस बनाता है और वही ग्लू जैसा सब्सटेंस एकदम ब्लैक हो जाता है। अगर आप उसे लेते हैं तो वो आपकी आर्टरीज में, वेन्स में या बॉडी में जाके धीरे धीरे डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है, वो पॉइजन की तरह वर्क करता है
और धीरे धीरे आपको ये किल करना स्टार्ट कर देता है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो कभी भी शहद को बिस्किट्स में आप डाल रहे हैं वो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसको हीट नहीं करना है। अगर आप मार्केट में जाते हैं आपको कुछ हनी कुकीज़ मिल रही हैं या हनी कोटेड ग्रैनुला है तो वो सब आपने नहीं लेने हैं। हाँ, बहुत स्लो फ्लेम पे आप बनाते हैं वो ठीक है, बट डायरेक्ट फ्लेम पे देर तक उसको नहीं कुक करना है। इसको लेने का जो बेस्ट तरीका है, आपने लेमन टी लिया, लेमन टी आपने बना ली या ग्रीन टी आपने ली, उसमें आपने ऊपर से डालना है, बिल्कुल गर्म गर्म में नहीं डालना है, हल्का सा ठंडा हो जाए फिर आपने इस शहद को डालना है, जिससे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें रहेंगी। तो अगर आप इस तरीके से लेते हैं आपको इस शहद के पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे, जितने इसमें वाइटमिन्स हैं, जितने मिनरल्स हैं, आपकी बॉडी में जाके वो सब एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये तब अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। सो मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना, डाइटोफाई में हम लोग बहुत अच्छे से बेसिकली सारी डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आप बताइए। एंड मैं करनाल प्लस का बहुत दिल से तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो दादी माँ के नानी माँ के नुस्खे हम भूल चुके थे, उनकी जो पुरानी बातें जो कि आज साइंटिफिक पेपर्स में है, वो चीज़ें मैं आपको याद दिला रही हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।